इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटकॉइन को माइन करने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने ब्राउजर में जाएं और टाइप करते हैं बिट डिगर क्रोम एक्सटेंशन। मैंने इसे गलत टाइप कर दिया तो रिजल्ट नहीं आया। तो इस पूरा से टाइप करना है बिट डिगर क्रोम एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए आपके पीसी में क्रोम का इंस्टॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पीसी में क्रोम इंस्टॉल नहीं है तो जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं वहां पर जाएं और लिख दें डाउनलोड क्रोम। जब आप सर्च करेंगे तो जो आपको लिंक दिखाई देंगी उनकी मदद से आप क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही फ्री है। इसके बाद जब आप क्रोम डाउनलोड कर लेंगे या फिर अपने क्रोम में जब लिखेंगे बिट डिगर क्रोम एक्सटेंशन, उसके बाद जो आपको पहले लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करें। और यहां करते हैं ऐड टू क्रोम और फिर करते हैं ऐड एक्सटेंशन। फिर आपको दिखाई देगा कि जो आपका एक्सटेंशन है बिट डिगर वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इस पर क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा कि इसकी स्पीड नॉर्मल है। आप इसे लो भी कर सकते हैं या फिर हाई भी कर सकते हैं। हाई करेंगे तो ये ज्यादा पीसी का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों ही ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर लो करेंगे तो ये कम कंज्यूम करेगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा बैकअप। बैकअप पर क्लिक करें और जो आपको ये कोड दिखाई दे रहा है इसे कॉपी कर लें। अगर आपका ये बिट डिगर अगर आपके एक्सटेंशन से रिमूव हो जाता है तो आप इस कोड की मदद से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। मैंने ये कोड एक नोटपैड फाइल में कॉपी कर लिया है। अगर मैं इसे एक्सटेंशन को बिट डिगर को अगर अपने पीसी से रिमूव कर दूं राइट क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रॉम क्रोम तो ये मेरे पीसी से चला जाएगा। अगर मैं इसे दोबारा से ऐड करता हूँ तो फिर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि मैंने जब ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किया दो बार तो ये ऐड हो चुका है। अगर मैं अपना कोई पिछले वाला बिट डिगर को रिस्टोर करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले वाला तो मेरा मैंने उसे रिमूव कर दिया था अपने क्रोम से लेकिन उसने जितने भी बिटकॉइन को डिग किया था आप यहाँ देख सकते हैं ये बिटकॉइन को डिग करता है। ये अभी तक इसने 0.000 कितने 0.125 बिटकॉइन को डिग कर लिया है और ऐसे ही ये नीचे वाले बिटकॉइन इसने माइन किए हैं इतने। अगर एफिलिएट अगर आप इसे शेयर करेंगे तो उन जो वो बिटकॉइन डिग करेंगे उसका भी कुछ परसेंट आपको आपके एफिलिएट में दिखाई देगा। तो लेकिन अगर मैंने जो पिछले वाले बिट डिगर से बिटकॉइन को माइन किया था अगर उसे मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली रिस्टोर पर क्लिक करना है और उसके बाद उसका कोड डाल देना है जो कि हमने लास्ट स्टेप में कॉपी किया था और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका प्रीवियस बिटकॉइन जो आपने डिग किए थे वो रिस्टोर हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई बिटकॉइन वॉलेट है तो आप उसमें अपना बिटकॉइन विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 0.001 बिटकॉइन होना चाहिए। अगर आपके पास बिटकॉइन का वॉलेट नहीं है तो सिंपली अपने ब्राउजर में जाएं इलेक्ट्रम। ये सबसे ही आसान सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन का वॉलेट। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपना बिटकॉइन का एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप जब रिसीव पर क्लिक करेंगे इस वॉलेट में आके तो आपको रिसीविंग एड्रेस दिखाई देगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए और जब आप क्रोम के एक्सटेंशन में यहाँ पर आके इसे आपको पेस्ट करना होगा। जब आपका मिनिमम 0.001 बिटकॉइन होगा तो आप इसे विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है और इसका यूज कैसे करना है तो इसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो।